हेलो एवरीवन, वेलकम टू TrueIS। हम लोग प्रीवियस लेक्चर तक मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर बैंक्स देख रहे थे और हमें स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसके पांचों जो फाइव कैटेगरीज होती हैं उसकी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, उसको हमने देख लिया था। अब बात करते हैं कुछ अदर बैंक्स की, लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स। ये वाले बैंक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जितने भी दूसरे तरीके के बैंक्स यहाँ पर गिवे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भारत के अंदर इनकॉर्पोरेट करे गए और रजिस्टर करे गए अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो कि राज्य की सरकारों के द्वारा पास करे जाते हैं। यानी कि यहाँ से आपको क्या समझ में आया, कोऑपरेटिव बैंक्स का जो निर्माण है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था शुरू शुरू में, स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एक्ट पास करेंगी। आपको भी पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं अलग अलग जगह पर। जैसे ऑपरेशन फ्लड जो था कि मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ानी है, वो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के तौर पर लॉन्च हुआ था, आपको अगर पता हो, है ना। गुजरात में आनंद टाउन के अंदर एंड अमूल बिकेम द लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ गुजरात इनिशियली एंड देन इंडिया अल्टीमेटली। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यही होती है ना, उसी से रिलेटेड हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी दो एक्ट हैं जिसके अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलेट होते हैं। नंबर वन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। यानी कि कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं इंडिया के अंदर उनको रजिस्टर करा जाता है अंडर एक्ट विच इज पास बाय स्टेट गवर्नमेंट, और उस एक्ट का नाम होता है स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अलग अलग राज्य की सरकारें अपने राज्यों में अलग अलग तरीके से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का नेचर अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है, अच्छा, राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या एक फंडामेंटल राइट है? यस, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको रेगुलेट करती है। राइटर आपको दूसरा पॉइंट ये बता रहा है, दो एक्ट्स के अंतर्गत, एक है 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एक है 1955 का बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट हर तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। है ये बैंक, लेकिन दे आर इन्वॉल्व इन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, नेमली प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, सर्विसिंग एंड अल्टीमेटली, क्योंकि बैंक्स हैं तो बैंकिंग। अगर मैं सिक्स फंक्शन को हटा के बाकी पांच की बात करूं, तो क्या इनका नेचर पूरी तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की तरह नहीं है? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह नहीं है? है ना। एडिशनल बात क्या है कि दे आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दोज कोऑपरेटिव सोसाइटीज दैट आर ऑल्सो परफॉर्मिंग विच फंक्शन, बैंकिंग फंक्शन। बस यही है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स लिखा हो तो क्या ये कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है कि नहीं है। बिल्कुल है रिलेटेड, बस ये एडिशनल फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इनका नाम में एंड में क्या लगा हुआ है, बैंक, तो बैंकिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ना कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सारे मेंबर्स होते हैं और डिसीजन जो होते हैं वो कंसेंसस बेसिस पे लिए जाते हैं किसी भी कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर, है ना, सबकी सुनी जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, के एक सोसाइटी से सारी औरतें, फॉर एग्जांपल मान लो कि साथ में आ गई और उन्होंने बोला कि चलो हम लोग एक धंधा स्टार्ट करते हैं पापड़ बनाने का, है ना। अब अगर उन्होंने डिसाइड करा है कि चलो हम मसाले वाले पापड़ काली मिर्च डालकर जो है वो बनाएंगे, काफ़ी लोगों को पसंद आ रही, तो ये डिसीजन अगर उस ग्रुप में पांच औरतें हैं तो पांचों का होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि चारों चार मंजूरी दे रही हैं और एक करवा चौथ की औरत की तरह बैठी हुई है, लेकिन उसको बोला जा रहा है कि नहीं, हम चार जो हैं इसके फेवर में, तू रोती रह, कोई बात नहीं।
ऐसा नहीं होता कभी भी। सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव मूवमेंट की ब्यूटी यही होती है कि वहाँ पर ना डिसीजन जो है वो मेजोरिटी के बेसिस पर ना मेजोरिटी के बेसिस पर नहीं लिए जाते, कंसेंसस के बेसिस पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो दे ऑल्सो फंक्शन विद द रूल ऑफ वन मेंबर वन वोट। ठीक है, एंड इनका मोटो बेसिकली यही होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स इतने प्यारे बैंक्स हैं कि नाम नाम में है बैंक, फंक्शन में है बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग एक्टिविटीज, लेकिन इनका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ही नहीं। बैंक किस लिए सेटअप होते हैं? लोन वगैरह देकर प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ये बैंकों का मेन काम होता है ना, आपको भी पता है ना, और पैसे को घुमाना। बैंक अल्टीमेटली क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। लेकिन इनका गोल बेसिकली है नो प्रॉफिट नो लॉस, घाटा भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि हमें बंद होना पड़े, लेकिन प्रॉफिट नहीं भी आ रहा है तो चलेगा, कोई बात नहीं। यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स किसके लिए बने हैं? दे आर, आप एक वर्ड को यूज कर सकते हो, दे आर प्रो सोशल या प्रो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी चीज़ आज के ज़माने में श्रेया, जब जहाँ इंसान अपने फ्री में कुछ भी नहीं दे सकता, और जहाँ पर इसका एक फंक्शन ये लिखा हुआ है कि दे डू नॉट परस्यू द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ठाकुरान नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करते ही हैं, तो क्या मैं इसको प्रो सोसाइटल या प्रो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं कहूँगा? सोसाइटी के, समाज के हित में ही तो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं, है कि नहीं? जो जो इसके कस्टमर होते हैं ना, अगर आपने किसी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आप उसके जाकर मेंबर बने, आप उसके मतलब अब मेंबर बने, कुल मिलाकर खाता खुलवाया या कैसे भी करके इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो आप मेंबर ही एक तरीके से, लेकिन क्योंकि बैंक है तो बैंक को, बैंक में कभी मेंबर नहीं होता, कस्टमर होते हैं ना। तो इसके जितने भी कस्टमर हैं, आप किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़े हुए हो, आपकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है या जो भी है, तो आप ही ओनर हो। मतलब हर एक पर्सन जो जो कस्टमर है इस कोऑपरेटिव बैंक का, उस पर्टिकुलर बैंक का, वो सारे के सारे लोग ओनर्स हैं। क्यों? मैंने तभी तो मैं बता रहा हूँ, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह और उसी की तरह कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह काम करता है ना, तभी तो मैंने शुरू में ही बोल दिया। ये सारे लोग बेसिकली मिलके ही चला रहे हैं इसे, और किसी को अगर जरूरत होती है तो उसे पैसा वगैरह भी दे देते हैं छोटा मोटा काम करने के लिए। यानी कि इनका कोई बहुत बड़ा बेस नहीं होता, लेकिन फिर भी देखो बैकिंग क्या है। हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं यार? बैकिंग है कि राज्य की सरकारों के द्वारा जो एक्ट है उससे इसको एक सपोर्ट है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दो एक्ट से इसको सपोर्ट करती है, रेगुलेट करती है। एग्जिस्टेंस इसकी इंश्योर कर रखी है राज्य की सरकारों ने, रेगुलेशन इसका इंश्योर कर रखा है केंद्र सरकार ने। कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो मेनली फोकस करते हैं एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर लेंडिंग पर। गाँव में एग्री जो एग्रीकल्चर बेस है, जो किसान है या कोई भी लोग हैं, उनको बेसिकली बढ़ावा देने के ऊपर, उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, ताकि उनका व्यवसाय जो है, काम धंधा जो है, वो अच्छे से चल सके, उसी पे फोकस होता है ना मेनली। ठीक है, बाय नेचर या बाय मैंडेट नहीं, मेनली। क्या ये लोन देते हैं? यस, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है, नंबर वन याद रखना कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है देने के लिए कोऑपरेटिव बैंक जो हैं भारत के अंदर, दे एग्जिस्ट इन थ्री टीयर्स। हमने अभी पढ़ा ना उसको रिसेंटली श्रेया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाले चैप्टर के अंदर, कि कोई भी चीज़ अगर डिसेंट्रलाइज लेवल पर हमारे देश में थ्री टीयर में एग्जिस्ट करती है, तो वो एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, एक गांव के लेवल पर, और एक स्टेट के लेवल पर। ठीक है, मतलब वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कंटेक्स्ट में था, लेकिन हम जानते हैं कि अगर स्टेट से नीचे हमें जाने तो डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से नीचे जाना तो गांव देखने को मिलेंगे। अब कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में तीन कौन कौन से लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं अगर इनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना हो तो? एक होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये होते हैं स्टेट लेवल पर। दूसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और तीसरे होते हैं, नाम है इन सबका, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है,
टैक्स एट द विलेज लेवल। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट के साथ डील नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट के साथ डील करते हैं दे आर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स LDBs, दूसरे कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। याद रखना लॉन्ग टर्म क्रेडिट वाले अगर आप जान गए तो बाकी तीन आपको समझ में आ जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक है बस ये, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक जो हैं दे आर फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट सपोर्टेड एंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज फाइनेंशियल एजेंसी इन इंडिया। ये पहले ऐसे बैंक है जिसको सरकार स्पॉन्सर भी कर रही है, सरकार सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है, और एक्ट वगैरह प्रॉपर बना दी तो ऑब्वियस ही बात है रेगुलेशन और सपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो काफ़ी बढ़िया है, और गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इनकी वर्किंग के लिए, इनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। 2020 में भारत की सरकार ने अप्रूव करा था कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाना चाहते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ संशोधन करके, कुछ अमेंडमेंट्स करके। इससे पहले 2020 से पहले जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके ऊपर दोनों का कंट्रोल रहता था, दो पार्टीज का, और वो दो पार्टीज कौन सी हैं, एक RBI, RBI के साथ साथ लेकिन राज्य की सरकारों का भी, क्योंकि बनाने वाले अगर राज्य की सरकार है उनके एक्ट्स के थ्रू ही बनता है ना ये, दे आर इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड, तो इसलिए ड्यूअल रेगुलेशन होती थी और राज्य की सरकारें इसको इनको रेगुलेट करती थी थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेकिन 2020 में सरकार ने क्या चीज लाया कि कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन का मालिकाना हक किसको दे दिया, RBI को। अब स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल है क्या, या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल, बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट कर दिया सरकार ने। ये क्यों करा गया था, छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसमें क्राइसिस हो गया था, फेल कर गए थे, इसलिए सरकार को लगा, केंद्र सरकार को लगा कि ज़्यादा बेटर तरीके से इनके रेगुलेशन को RBI ही सुनिश्चित कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो नो स्पोक करती रहती है इनकी वर्किंग में या इनके पावर्स एंड फंक्शंस में, उसकी वजह से इतना इफेक्टिव इनका कंट्रोल हो नहीं पा रहा, ठीक है। और डेफिनेटली बात ये भी है, जब भले ही कोऑपरेटिव बैंक है आप सोचो ये फेल करके इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पता है ना छोटे से छोटे बैंक से भी फ़र्क पड़ता है ना, एक भी पर्सन की बैंकिंग हैबिट अगर ख़राब हो तो आप जानते हैं इकॉनमी का कुछ हिस्से को तो फ़र्क पड़ता है, जैसे कि हम कहते रहते हैं हमेशा बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हर एक इंडिविजुअल का जो डिपॉजिट होता है उससे हमारी इकॉनमी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनती है ना। ये अगर फेल कर गया तो सरकार ने पूछा होगा RBI से कि क्या करा जा सकता है, तो RBI ने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखाते रहते हैं इनकी वर्किंग में, हम अच्छे से फिर रेगुलेट कर नहीं पाते उनके साथ। अब RBI एक जैसी बॉडी और राज्य की सरकार भी अगर उसके अंदर इंटरफेरेंस दिखाए तो आप जानते हो ना कि पॉलिटिशियंस के आगे फिर RBI ऑफिसर्स की काहीं चलेगी, मानते हो श्रेया, वो अपने हिसाब से मतलब पास करवाते थे उनके कि उसको लोन दे देना, इसको दे देना, ऐसा कर देना, वो मेरा रिश्तेदार है, ये है वो है, ये होता ही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इसलिए RBI ने सबसे पहले क्या शर्त रखी थी कि देखो सर कोई MP नहीं, कोई MLE नहीं, कोई MLC नहीं, कोई सिविल सर्वेंट नहीं, है ना। तो द अमेंडमेंट्स विल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनको हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं, एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं दे वर ऑल्सो ब्रॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके लिए भी
अमेंडमेंट जो था वो 1966 में करा गया था। तो जो चेंजेस हुए वो बेसिकली क्या थे, तीन मेजर चेंजेस थे। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे शुड बी ऑडिटेड अकॉर्डिंग टू आरबीआई नॉर्म्स, इनकी ऑडिटिंग आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट कोई इंटरवेंस नहीं करेंगी। अब लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर उनकी लोकेशन होती है, वो किसी ना किसी राज्य में तो होते ही है ना। तो एक चीज ये आई कि आरबीआई एक बार बस कंसल्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, कंसल्ट कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक जो है इट इज अंडर स्ट्रेस, तो जो कोऑपरेटिव बैंक का जो बोर्ड है, मतलब कुछ तो बंदे होंगे ना जो उसको संभाल रहे होंगे, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, जो भी होंगे, आरबीआई उसको सुपरसीड कर लेगा। आरबीआई कहेगा साइड हटो, हम संभाल रहे हैं। इसके लिए बस एक बार कंसल्ट करेगा आरबीआई किसको, राज्य की सरकार को, जहां पर वो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड है। ओके, अगर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर किसी भी सीईओ की अपॉइंटमेंट अगर होनी है, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई देखेगा और तब परमिट करेगा कि हाँ यार इस पर्टिकुलर पर्सन को आप अपने कोऑपरेटिव बैंक का सीईओ बना सकते हो। रिकॉर्ड देखेगा, उसकी हिस्ट्री देखेगा, क्योंकि ऐसी अथॉरिटीज का बहुत ज़्यादा रोल होता है ठाकुराइन गौरव, कि बैंक सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, तो उसका पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखना भी इसलिए ज़रूरी है ना। अगर ये वही सीईओ हो कि जो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और इसको किसी नई कोऑपरेटिव बैंक के लिए सीईओ नियुक्त करा जा रहा है, आरबीआई क्यों परमिशन देगा बताओ, कि पहली बट्टा बिठा चुका है एक कोऑपरेटिव बैंक का। सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना आप लोग कि कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो क्या लोन देते हैं, जी हाँ देते हैं, शॉर्ट टर्म भी देते हैं, लॉन्ग टर्म भी देते हैं। दूसरी चीज़, जो उसके कस्टमर होते हैं वही इसके ओनर होते हैं। ये ज़्यादातर गांव के इलाकों में, ज़्यादातर नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर गांव के इलाकों में और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर, मतलब किसानों को लोन चाहिए, या गांव के अंदर कोई जो मझले किसान हैं या फिर कारीगर हैं या कुछ भी अदर फिशरी सेक्टर के अंदर कोई लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको अगर छोटा छोटा लोन चाहिए, लंबे समय के लिए भी लोन चाहिए, तो उसमें उनकी एक्टिविटीज़ में डील करता है। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा था कि मेनली और प्राइमरीली ये गाँव के गाँव में किसानों वगैरह को लोन देने के अंदर इन्वॉल्व हैं, बिकॉज गाँव के अलावा ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी तो होते हैं, ये रहे, ठीक है। हाँ, क्या नहीं कर रहे, हाँ, तो जिनको रूरल मेंशन नहीं कर रखा है ना, मेजरली मतलब बेसिकली वो ये वाले हैं कि जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर इनकी जो लोकेशन है या जो इनकी ब्रांचेस है ना, वो हमारे देश के गांव के इलाकों से जुड़ी हुई है, या फिर वो ऐसे एरिया से जुड़ी हुई है जहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं और रूरल सेक्शनों का सोसाइटी रह रही है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, इट विल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल्सो हाँ, ये जो चेंजेस हैं ये सबके लिए हैं, मतलब बेसिकली ओवरऑल, मतलब कोऑपरेटिव बैंक तो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके लिए बेसिकली चेंजेस हैं। वो अलग से मेंशन करके बोल रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी फंक्शनिंग अभी तक अच्छी चलती रहती है, उसके लिए भी एप्लीकेबल हो गए थे ये चेंजेस, ये अमेंडमेंट, ठीक है। और करना बेसिकली इसी की वजह से पड़ा था सरकार को, ये जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है ये फेल कर गया था पीएमसी। और कोऑपरेटिव बैंक की लिस्टिंग के पीछे तो देखो कभी भी मत जाना, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है स्टेट लेवल पर, तो आप इमेजिन करके देखो कितने सारे होंगे हमारे देश में। इसको देखो इमेजिन करके, पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कितनी क्रेडिट सोसाइटीज होंगी गांव लेवल पर जो एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये एक गांव है हमारे देश में,
वो अलग बात है कि सारे गांव में नहीं होते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप 10% 5% को भी पकड़ लो, 10 या 5% या 3% गांव भी सोच रहे हो कितने कितनी मतलब संख्या होती है उनकी। ओके, और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी लॉन्ग टर्म का क्रेडिट, लॉन्ग टर्म का लोन देने के लिए भी ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ओके, लाइक कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, CARDBs, जो कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, इन रूरल एरियाज एंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब हम लोग बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। 2020 में ही सरकार ने ये करा ना अप्रूव इस चीज़ को कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन जो है वो RBI के अंतर्गत लेकर आना चाहते हैं कुछ अमेंडमेंट्स करके, इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा आया, 2020, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। जो अभी तक 1949 का जो एक्ट जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था, इसको अमेंड करा गया सितंबर 2020 में, ठीक है, ताकि RBI का जो रेगुलेटरी कंट्रोल है कॉर्पोरेट बैंक्स के ऊपर, इसको एक्सपेंड करा जा सके इन टर्म्स ऑफ वेरियस टॉपिक्स लाइक कॉर्पोरेटिव बैंक्स की मैनेजमेंट, उनका कैपिटल, उनकी ऑडिटिंग और उनका लिक्विडेशन, इन केस अगर वो फेल कर जाते हैं, ठीक है, या उनके पास पैसा नहीं होता, उसको कहते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब लिक्विडिटी का क्रंच होना, ठीक है, ताकि उनकी बेटर मैनेजमेंट हो सके और प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन हो सके। इसको इसलिए करा गया था सरकार के द्वारा ये इंश्योर करने के लिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स के जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को चलाता है, ये इस मैनर में कंडक्ट हो, दे आर कंडक्टेड इन द मैनर डैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर इंक्रीज हो, दे शुड हैव बेटर एक्सेस टू कैपिटल, गवर्नेंस इम्प्रूव हो और RBI के थ्रू साउंड बैंकिंग पैरामीटर जो हैं वो आए, फेल ना कर जाए ये PMC की तरह। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स या सोसाइटीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, कुछ कैटेगरीज के लिए, लाइक प्राइमरी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये उसके लिए लागू नहीं थी ये अमेंडमेंट। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनका प्राइमरी बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, कि ये अपने आप को आराम से संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, या पासिंग लोन्स फॉर एग्रीकल्चर, गिविंग लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, इनके ऊपर जो शिकंजा है वो नहीं कसा गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक जो थे उन्हीं को लाया गया अंडर RBI सुपरविजन प्रोसेस, ठीक है, सेम एज दैट एप्लीकेबल टू स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो बेसिकली कुछ कुछ आपको पता है, अभी आप पूछ रहे थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी लाया गया था अंडर द सुपरविजन RBI, ऐसा क्यों, वो तो नहीं दे रहे हैं लोन या फाइनेंसेस टू द एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, लेकिन फिर भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI की सुपरविजन के अंदर लाया गया। RBI ने ये फाउंड आउट करा था कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है, ठीक है, इसके अंदर जो स्कैम हुआ, जो क्राइसिस हुए 2019 में, ये भी एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जैसे, लेकिन यहाँ पर बड़े सारे इंस्टेंसेस देखने को मिले RBI को फ्रॉड के और सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के। तो इसलिए देखा गया कि ऐसा नहीं है कि अगर ये भले ही एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, विंडो जो ओपन करी गई लिबर्टी की कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंतर्गत जो भी RBI ने अब शिकंजा अपना कस लिया कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, ये अमेंडेड एक्ट
एप्लीकेबल नहीं है दो तरह की कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, एक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ पैक्स एंड दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका मुख्य काम ये है कि लंबे समय के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ लोन्स क्रेडिट्स एक्सेट्रा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, किसानों को या गांव में रहने वाले लोगों को या जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है उनको। समझ में आए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपसे बोल रहा था क्योंकि इसके अंदर ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत है और आपके लिए नए बैंक्स हैं ये, क्योंकि हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन सबको तो जानते हैं, इन सब की फंक्शनिंग और डेवलपमेंट को हम नहीं जानते हैं, हमें रेगुलर बुक्स में बचपन से लेकर नहीं होता क्योंकि ये सब चीज़ें एनसीईआरटी वगैरह। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।